अमेरिकी मिशन के नायब सरबराह एंड्रियो शोफर कराची जो दौरों करे माहौल दोस्त जहाज जरानी तवानाई ए पानी के शोबन में सहकार बढ़ाने की खातिरी कर रही है। पाकिस्तान में मुकर्रर अमेरिकी मिशन के नायब सरबराह एंड्रियो शोफर 13-16 सितंबर तीन कराची जो दौरों कर एंड्रियो शोफर कराची के दौरे दौरान ग्रीन शिपिंग गोल्ड मैज मुबाशे में शरीक थो। उन मौके से उन गडल चैलेंज से खास कर मौसमियाती तब्दीली बाबत मसलन के हल से जोर भर है। ग्रीन शिपिंग के मौजू से इन गोल्ड मैज मुबाशे जो इंतजाम यूएसएड के सहायता से पाकिस्तान रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक्टिविटी पारा कया वो हो जैमें हुकूमती उहदेदार कारोबारी बिरादरी ए जहाज रानी से लागापिल शख्सत शिरकत कई। इन मुबाशे में इन गाल जोर भर वो तो पाकिस्तान में माहौल दोस्त ए पायदार जहाज रानी के हथी डारी वे एंड्रियो शोफर मौसमी तब्दीली के मुंह दियण लाय पाकिस्तान जलाहतू वधायण में मदद कर रहा हूं। एंड्रियो शोफर सामूंडी व्यापार ए बेन शोबन में सहकार बढ़ाण वारे कोशिशों की साराह कई। अमरीकी मिशन के नायब सरबराह कराची के दौरे दौरान शागिर्दन कारोबारी शख्सत ए समाजी रजाकार भी मुलाकातू क्यू ए सदन सलाहतू की साराह कई है। एंड्रियो शोफर पाकिस्तान से मजबूत लागापन के हथी डारण ए तरक्की जो सफर जारी रखण लाय नौजवान नस्ल की क्यादत ए उन अहमियत रोशनी विधी है। एंड्रियो शोफर मजहबी अकलियत के अगवाणन से भी मुलाकातू क्यू उन मजहबी भाईचारे ए सहप की अहमियत से जोर भर अकलियत के हकन लाय अमरीकी हिमायत जारी रखण के अजम जो इजहार किया है। एंड्रियो शोफर के दौरे की पुजाणी पोर्ट कासिम से थी जिते उन पोर्टकास्ट अथॉरिटी के चेयरमैन कार्गो एंग्रो कारपोरेशन की क्यादत से मुलाकातू क्यू। एंड्रियो शोफर उन मौके से बेटन से कारोबारी सरगर्मियों ए तवानाई के हल बाबत गाल्ह बोल कई है।